हेलो एवरीवन, मैं अंबुज सिंह, डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली से। आज के इस वीडियो में, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो दिया है पॉलीगन्स के बारे में, पॉलीगन्स पे मैंने आपको दो वीडियो दिए, ठीक है। तो एक यहाँ पर थोड़ा सा डाउट ये रहता है कि पॉलीगन्स के एरिया से रिलेटेड क्या फार्मूला होता है, कैसे पॉलीगन्स का एरिया निकालते हैं, और पॉलीगन से रिलेटेड कुछ और बातों के ऊपर भी बच्चों के जैसे डाउट रहते हैं। तो मैं जैसे जैसे कहा जाए कि पॉलीगन है, कोई भी एक पॉलीगन है, उसकी एक इन सर्किल है, एक अंदर एक वृत्त बन रहा है, एक सर्कम सर्किल है, एक बाहर एक वृत्त बन रहा है, तो उनमें क्या बेसिकली रिलेशन रहता है, ठीक है। तो पहले तो मैं इस पे बात करता हूँ, ठीक, और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम लोग यहाँ पर समझेंगे। पहले मैं कहूँ कि एक रेगुलर पॉलीगन से मतलब केवल यह है कि कोई भी एक ऐसा पॉलीगन जिसकी जो साइड्स होती है, नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, वो इक्वल इन लेंथ यानी लंबाई में बराबर होती है और एंगल बराबर होते हैं, तो ऐसे जो पॉलीगन्स होते हैं वो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि जैसे मेरे पास एक सबसे छोटा पॉलीगन जो है, मैं ट्राइंगल उठाया, जैसे मैंने कहा ये एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है रेगुलर, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। पॉलीगन्स क्या होता है, क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय मोर देन टू लाइंस, ठीक है। तो ये होता है पॉलीगन। अगर मैं इसके एक अंदर एक सर्कल खींचता हूं, जैसे एक समबाहु त्रिभुज बनाया, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त अगर मैंने खींचा, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी, क्योंकि भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे इसके रेडियस की जरूरत होगी, क्लियर है इतनी बात। तो रेडियस होगी होगी क्या कि जो इसकी जो इन रेडियस होगी वो आर इज इक्वल टू होती है रूट ए अपॉन टू रूट थ्री, ठीक है। ये आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब पूरा पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अभी इस छोटे से पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो इसका जो इन रेडियस है वो ए अपॉन रूट टू रूट थ्री होती है। बेसिकली जो इन सेंटर होता है वो सर्कम सेंटर भी होता है, इन सेंटर भी होता है। मैं सारी बात पे अभी जब किसी दिन वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर, तो सारी बात आपको बहुत अच्छी तरह से मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अभी केवल इतना समझे कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो इन रेडियस होता है वो टू रूट थ्री होता है, और अगर मैं सर्कम रेडियस की बात करूं, परिवृत्त परित्रिज्या की बात करूं, तो आर बराबर होता है ए अपॉन रूट थ्री, ठीक है। तो अगर मैं इन सर्किल का एरिया ऑफ इन सर्किल इसका निकालूं, एरिया ऑफ इन सर्किल यानी हिंदी में बोले तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अगर यह निकालूंगा मैं, तो मेरे पास आएगा पाई, आर की जगह पर आ चुका है ए अपॉन टू रूट थ्री का स्क्वायर, और आगे मैं इसी को सिंप्लीफाई करता हूं तो पाई ए स्क्वायर बाई 12 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं एरिया ऑफ सर्कम सर्कल निकालूं इसका, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, तो सर्कम सर्कल से मतलब क्या, जिसके चारों ओर जो बाहर की ओर जो वृत्त बन रहा है ना, तो परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या ये क्या आ जाएगा, पाई ए बाय रूट थ्री का स्क्वायर। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो पाई ए स्क्वायर बाय थ्री आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाय थ्री, ठीक है। चलिए, अगर मैं इन सर्किल, सर्कम सर्किल कैसे बनता है, चारों ओर बाहर की ओर एक वृत्त, इस तरह से एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो सर्कम सर्किल इस तरह से बनेगा, ठीक। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करता हूं, आप जरा देखें, डिफरेंस बिटवीन सर्कम सर्किल, एरिया ऑफ सर्कम सर्किल एंड एरिया ऑफ इन सर्किल, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पाई ए स्क्वायर बाई 12, थ्री में से पाई ए स्क्वायर बाई थ्री को अगर मैं 12 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 12 एलसीएम में जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 4 ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी 4 पाई ए स्क्वायर माइनस 3 पाई ए स्क्वायर, ट्वेल्व एलसीएम हो जाएगा, 4 बच जाएगा, तो ये 4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3 पाई ए स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या है आपके पास, मैंने देखा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को जब मैंने इन सर्किल और सर्कम सर्किल यानी अंतःवृत्त और परिवृत्त के जब क्षेत्रफल को मैंने निकाला और दोनों के जो अंतर को देखा, तो मेरे पास आया पाई ए स्क्वायर बाई 4,
और इस बात को आप यकीन मानिए कि जितने भी पॉलीगन होते हैं, जितने भी रेगुलर पॉलीगन हैं, सब में सर्कम सर्किल का एरिया और इन सर्किल का एरिया का जो डिफरेंस है वो पाई स्क्वायर बाई 4 आएगा। ठीक है, आगे से इस पे कोई भी सवाल बने आप सीधे इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, आंसर को क्वेश्चन को देखते ही आंसर पर टिक लगा सकते हो। थोड़ी सी और इसको बात को अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है चीज़ों को समझने के प्रति, तो इस वजह से आप जरा, मैंने एक और इसमें पॉलीगन ले लिया रेगुलर पॉलीगन, इस बार मैंने इसको स्क्वायर लिया है। आप मुझे बताएं कि अगर मैं एक स्क्वायर के अंदर, ये मैंने पहला फिगर लिया, ये दूसरा, एक स्क्वायर के अंदर अगर मैं सर्कम सर्किल एक इन सर्किल खींचता हूं तो इन सर्किल कुछ ऐसा बनेगा। सपोज इसकी साइड ए है, ये ए साइड है और ये इसका सेंटर से लेकर यहां तक का जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इसका रेडियस हो जाएगा, यानी इन रेडियस, क्योंकि अंतर्वृत्त। तो अंतर्वृत्त कैसे बनता है, इन सर्किल कैसे बनता है, तो सारी अंदर से सारे साइड को टच करता है जो वृत्त जब बनता है वही होता है इन सर्किल। ठीक है, तो इन सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। अच्छा, सर्कम सर्किल का एरिया निकालने के लिए क्या किया जाएगा, इसका सर्कम सर्किल का एरिया निकालने के लिए तो डेफिनेटली मुझे इसको ये मुझे चाहिए होगा। सपोज ये आर है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, रूट टू आर या रूट टू ए हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल हो गया, एक वर्ग का विकर्ण हो गया। जब मैं इसको आधा कर दूंगा तो ये जो सर्कम रेडियस है यहां से लेकर यहां आर, ये आर की जो वैल्यू है मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट टू ए का जब आधा कर दूंगा तो रूट टू से ए वाला कैंसिल हो जाएगा तो ए अपॉन रूट टू आ जाएगा। तो सर्कम रेडियस मेरे पास आ गई ए अपॉन रूट टू। और अब मैं एरिया ऑफ इन सर्किल की बात करूंगा, एरिया ऑफ इन सर्किल, तो एरिया ऑफ इन सर्किल यानी अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, एक वर्ग के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, पाई ए स्क्वायर, ए की जगह पर मैं क्या लेके चल रहा हूं यहां पर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पर मेरे पास क्या आ गया, आर बराबर, ये तो कैपिटल आर की वैल्यू थी और स्मॉल आर की वैल्यू मेरे पास ए अपॉन टू आ जाएगी, इसके आधी आर रहेगी, तो क्या हो जाएगा आर अपॉन टू का, ए अपॉन टू का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट मेरे पास आ गया पाई ए स्क्वायर बाई 4। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल यहां क्या रहेगा, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ये क्या रहेगा, यानी परिवृत्त का जो क्षेत्रफल रहेगा वो क्या रहेगा पाई, और आर की जगह पर मैं क्या लेके चल रहा हूं यहां पर ए अपॉन रूट टू। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, ए अपॉन रूट टू का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ठीक, अब मैं जब डिफरेंस की बात करता हूं यहां पर, इन दोनों के अंतर की बात करता हूं, पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 4, जब मैं अंतर की बात करता हूं 4 एलसीएम में जाएगा, ये 2 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा, इस बात को अब मैं ये कहूं कि अगर मैं इसी चीज को एक रेगुलर हेक्सागन पे अप्लाई कर दूं, या ये सब आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, जैसा मैं कहूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना एक बार। अब मैं इसको आगे की, अगर यही चीज अगर मैं एक रेगुलर हेक्सागन पे बता दूं, अभी मैंने एक रेगुलर पॉलीगन से संबंधित आपको बात बताया, ठीक है, जैसे मैं यहां पर एक हेक्सागन ड्रॉ कर रहा हूं, अंदर की ओर जो वृत्त बनेगा वो इस तरह से बनेगा, अंदर की ओर एक वृत्त बन गया, एक बाहर की ओर बनेगा, तो ये अंदर जो वृत्त बन रहा है और जो बाहर वृत्त बन रहा है, अगर ये कहा जाए ठीक है, तो इस रेगुलर हेक्सागन की अगर मैं आपसे कह दूं कि साइड है ए, अब मैंने आपके सामने एक सवाल इस पे बना दिया, एक रेगुलर हेक्सागन की साइड अगर मैं बोल दूं 10 सेंटीमीटर की है और मुझसे कहा जाए कि इसके अंदर और बाहर बनने वाले वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि जो भी इसका शेडेड पोर्शन इस तरह से मैंने बना दिया और मैं पूछूं कि शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, ठीक है बात को। और अगर ये सारी चीज मुझे मालूम है तो मैं सीधे क्या अप्लाई करूंगा, मैं सीधे कहूंगा पाई 10 का स्क्वायर बाई 4 यानी 25 पाई, इसका जवाब आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, मैं सीधे आंसर पर टिक लगा दूंगा क्योंकि ये बात हमको आगे से मालूम है।
ठीक है, और ये कैसा भी हो, एक रेगुलर ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पाई स्क्वायर बाई फोर रेगुलर पॉलीगन के जो अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का जो अंतर है वो पाई स्क्वायर बाई फोर ही होना है, ठीक है। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो, आपके पास पाई स्क्वायर बाई फोर ही आ जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं आगे से इसको इसे याद रखना, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। हमने इसको समझाया यहां पर एक रेगुलर सबसे छोटा पॉलीगन इक्विलेटरल ट्रायंगल लेकर स्क्वायर लेकर मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आई होगी बात, और पाई स्क्वायर बाई फोर को मैंने यहां पर दिखाया कि कैसे ये बन रहा है, ठीक है। और अगर आपको रेगुलर हेक्सागन की बात इसको सॉल्व ही करना है तो आप बड़े आसानी से इसमें ये देख सकते हो, या रेगुलर हेक्सागन से मैं इसको यहां पर समझाऊं, जैसे एक अंदर एक व्रत बनाऊंगा ना, अब आप समझ लेना इसको, अपने आप करना इसको, एक अंदर एक व्रत बनाऊंगा तो होगा क्या कि अगर मुझे इसका रेडियस चाहिए तो मुझे ये मालूम है कि ये जो डिस्टेंस है ये अगर ये ए है, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, तो अंदर वाले व्रत का जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा। अब इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बनता है रूट थ्री बाई टू ए होती है, तो अब इसकी जो इन रेडियस हो गई वो क्या हो गई, अंदर जो व्रत बन रहा है उसका जो इन रेडियस होगा वो रूट थ्री बाई टू ए हो जाएगी, और जब इसके परिवृत्त एक व्रत बनेगा, बाहर एक व्रत बनेगा, और उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, जो सर्कम रेडियस है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो ए रह जाएगी, केवल बस ए, ठीक है। तो अगर मैं बाहर वाले व्रत का जो बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ए लिखूंगा, और अंदर वाले व्रत की जो त्रिज्या हो जाएगी पाई रूट तीन बटे दो ए का स्क्वायर करूंगा, मैं पाई को कॉमन ले लूंगा, ए स्क्वायर को भी कॉमन ले लूंगा, यहाँ बचेगा वन और यहाँ बचेगा थ्री बाई फोर, सिंप्लीफाई करेंगे चार में से तीन गया एक हो जाएगा, तो वही बन गया पाई ए स्क्वायर बाई फोर। तो यही मैंने एक हेक्सागन के लिए भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए अपने आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन आगे से कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो तो आपको ये दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी बात मैंने बिल्कुल विद प्रूफ के साथ यहाँ पे लिख दी है,